जो टीम कैप्टन का बहरहाल क्रिकेट है, अनिश्चितम का खेल। पुणे की टीम बहुत बड़ी टीम है, अच्छी टीम है और जल्द में सस्ते में रोकने की कोशिश करेगी। एक छोटा सा टोटल हो तो एक अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी, बट टॉस जीतकर बल्लेबाजी का डिसीजन मैं समझता हूँ अच्छा है। देखिए अरे भाई, एक मेरा बात ध्यान में आ रही है, आपने देखा होगा टेस्ट मैच है, वनडे मैच है, वनडे मैचों के अंदर जिस तरीके से जो क्रिकेट होती है उसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो शुरू से लेके आखिरी तक सेम ही रहता है। ये टेस्ट की कंडीशन देखी है, लेकिन T20 जो फॉर्मेट है बहुत अलग है। T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर एक दो ओवर के अंदर ही पासा पलट जाता है मैच का। एक दो ओवर अच्छे निकल गए तो समझ लो गेंदबाजी वाली टीम हावी हो जाएगी, और एक दो गेंदबाज के अगर मार पड़ गई तो बल्लेबाजी वाली टीम हावी हो जाएगी। ऐसा इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत बहुत बार हुआ है। 2020 फॉर्मेट के अंदर ये सब देखने को मिलता है, कभी टेस्ट के अंदर ले लीजिए, वनडे के अंदर ले लीजिए, इस प्रकार का कोई सीन नहीं होता। तो कुल मिलाकर एक दो ओवर वो देखते हैं कौन सी टीम के लिए ज्यादा बेहतर साबित होंगे, गेंदबाजों के लिए बेटर होगा या बल्लेबाजों के लिए होगा, वही टीम यहाँ से बाजी मारने वाली इस फाइनल मुकाबले में। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई सही कह रहे हैं आप, अगर एक दो पहले एक दो अच्छा ओवर डाल लें पुणे की गेंदबाज और एक दो बड़े विकेट का शिकार कर लें तो फिर प्रेशर में आ जाएगी जादौद की टीम भी। लेकिन बट उनको भी ये चाहिए कि अगर एक दो विकेट निकल भी जाते हैं तो एक साझेदारी, एक टोटल अच्छा होना चाहिए, कि साझेदारी का होना बहुत जरूरी होता है। आप सही करें, क्रिकेट है ये एक दो ओवर का खेल है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हमने टॉस हारा है हम क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो मैच नहीं हारे। अगर क्षेत्र रक्षण करते हुए भी सस्ते में अगर एक दो बड़े विकेट निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर बैटिंग करने वाली टीम पर भी प्रेशर आ जाता। तो क्रिकेट आप सही कह रहे हैं, दो तीन ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों टीमों के लिए, और एक दो पाँच ओवर में अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है जादव को तो फिर निश्चित रूप से पुणे की टीम के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर वाला गेम है, इसको प्रेशर को किस तरह से फेस करते हैं, प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं ये दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर डिपेंड कर रहा है। क्रिकेट है वैसे जो अच्छा करेगा, और दोनों टीमें डिजर्व करती हैं फाइनल में तभी खेलने का इनको मौका मिला है। आई होप अच्छा करें, अच्छा क्रिकेट, और मैं ये चाहता हूँ अल्ताफ भाई क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्रिकेट अच्छा खेलें, दर्शकों को चाहिए एंटरटेनमेंट, मनोरंजन चाहिए, दर्शक यहाँ आए हैं आपका क्रिकेट देखने के लिए आए, तो दोनों टीमों के खिलाड़ी से यही है अनुशासन के साथ में खेलें, अच्छा क्रिकेट खेलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में आरिफ भाई नुआ, देख सकते हैं अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैदान किसने तैयार किया है, मैदान तैयार करने वाली इस ब्रांडेड हस्ती आप देख सकते हैं। ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक के अंदर कोई भी दर्शक नहीं बैठेगा, ये जो ट्रैक बना हुआ है दर्शक को जहां भी बैठना है बाहर बैठे, मैदान के ट्रैक के अंदर कोई भी दर्शक नहीं रहेगा। हम बात कर रहे थे इसमें हरि भाई मैदान को लेकर कि मैदान बहुत अच्छा तैयार किया है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। ये देखिए आप ताज ग्लोबल एकेडमी के जो डायरेक्टर है जुबेर भाई अभी अभी आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बगैर मूछ वाले तो फौजी साहब है जो बच्चों को अभ्यास करवाते हैं, बच्चों को दौड़ाते हैं यहाँ पर, और
जुबेर भाई की बहुत अहम भूमिका रही है इस मैदान को तैयार कराने के लिए। ये हमारे ग्राम पंचायत जादोद के सरपंच है महावीर जाट, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। देख सकते हैं चारों तरफ मैदान के तारबंदी बनी हुई है और ये नीचे आप खूबसूरत सा यू कहिए कि रेतीले जो टीपे है। दर्शक कोई इसके अंदर नहीं बैठेगा, ध्यान रखिए भाई। आज की जो वॉलंटियर की जिम्मेदारी है, एक तो मोनू भाई है और एक अबरार, ये दो वॉलंटियर रहेंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर और दोनों की जिम्मेदारी है ट्रैक के इस जो ये लगा हुआ है इसके अंदर बिल्कुल भी किसी दर्शक को नहीं आने देना। खिलाड़ी ही पानी लेकर आएगा मैदान के अंदर, बाकी किसी भी टीम का समर्थक मैदान के अंदर नहीं आएगा। ये टॉस के टाइम हमने दोनों टीमों के कप्तान को बता दिया है, जो भी गंदा है वो खिलाड़ी करेंगे मैदान के अंदर। टीम के ओनर है, स्पॉन्सर है, वो बाहर बैठकर मैच देखें आराम से सुकून के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल 10 रनों की प्लेंटी है, साफ साफ बता दिया गया है पहले। ये टूर्नामेंट हरी भाई लगभग वर्ल्ड कप की तरह 3 साल से टूर्नामेंट देखने को मिलता है, लेकिन अब जो हमारे ग्राम पंचायत सरपंच महावीर जी जाट है, उन्होंने साफ कह दिया है हर साल यही तारीख
जैसे आज आपको पता है 9 दिसंबर का दिन है, 9 दिसंबर के दिन ही इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा अगला, और 24 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू होगा, 9 दिसंबर को इसका फाइनल होगा, ये तारीख फिक्स कर ली इन्होंने, इसी टाइम के ऊपर हर साल ये टूर्नामेंट खेली जाएगी, ऐसा बता रहे हैं सरपंच जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अगला जो टूर्नामेंट है वो ट्रस्ट क्रिकेट के ऊपर देखने को मिलेगा। पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो इनामी राशि लगा रखी है, पूर्व कप्तान हवेली जाजोद के आरिफ भाई, बहुत बड़े भमासा है शमशेर भाई जो इस समय बैठे हुए हैं, 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी के लिए 200 रुपए, शतक वाले के लिए 500, हैट्रिक वाले के लिए 500, लगातार 3 छक्के लगाने वाले के लिए 500 रुपए पूरे टूर्नामेंट के अंदर लागू है। 16वां दिन है टूर्नामेंट का, इनामी राशि शमशेर भाई इकलौते ऐसे इस टूर्नामेंट के होनर रहे, क्रिकेट इन्होंने खेली है, बहुत बारीकी से क्रिकेट को जानते हैं, तो इन्होंने ये शुरू से कर रखा था ये सारा सिस्टम, और फाइनल के अंदर भी वही है जो पहले इन लोगों ने कर रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल लता भाई, सबसे पहले तो एक मैं ऐसे बैनर के तले खड़े होकर कमेंट करने की कोशिश करूंगा कि शहीद मुश्ताक अली खान की याद में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का एक बड़ा मेगा फाइनल मैच पुनिनी वर्सेस जिजादोद के मध्य शुरू होने ही वाला है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं, शहीदों की याद में टूर्नामेंट, वतन के ऊपर मर मिट जाना, वतन के लिए शहीद हो जाना, मैं ये समझता हूँ शहीद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, शहीद एक अपने अपने एक बड़ा मजहब होता है, वतन पर मर मिट जाना, वतन पर फिदा हो जाना, अपने आहुति कुर्बानी कर देना वतन के ऊपर, तो मैं शहीद मुश्ताक खान की याद में एक दो पंक्तियां बोलना जरूर चाहूंगा। अल्ता भाई, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज मैदान के अंदर जाएं। तो मैं जिक्र कर रहा था शहीद मुश्ताक अली खान के ऊपर एक छोटी सी चीज बोलना चाह रहा हूं, जी जी बिल्कुल होना चाहिए भाईजान, ये शहीद की याद में है, शहीदों की याद में इस तरह का इतना बड़ा टूर्नामेंट और उसका मेगा फाइनल मैच होने को जा रहा है, तो होना चाहिए इस तरह की चीजें, इस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए। आजकल तो लाइव टेलीकास्ट का जमाना है, दोनों टीमों के खिलाड़ी जाजोद असर क्रिकेट क्लब जाजोद वर्सेज पुनिनी टीम कैप्टन से निवेदन रहेगा मेरा, प्लीज दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान के अंदर आ जाएं। राष्ट्रीय गान दोनों टीमों के खिलाड़ी प्लीज, जाजोद क्रिकेट क्लब के टीम कैप्टन से निवेदन रहा है और पुनिनी टीम कैप्टन प्लीज अजर स्टार जाजोद वर्सेज पुनिनी टीम के कैप्टन से भी निवेदन है, सर प्लीज अभ्यास करें, 2 मिनट के लिए यहां आ जाए दोनों टीमें, प्लेयर आना है सिर्फ दोनों टीमों की खिलाड़ी 11-11 खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय गान होगा उसके बाद आप अपने डगआउट में चले जाएं, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। और जितने भी दर्शक हैं जो चेयर लगाकर बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्टेट बाउंड्री के सामने, उनसे भी निवेदन रहेगा प्लीज अपने चेयर को थोड़ा सा, ये जो ट्रैक बनाया हुआ है मैदान का, उसके बाहर ले जाकर आप आराम से क्रिकेट को एंजॉय करें, आपसे निवेदन रहेगा, आपका सहयोग रहा है पूरे टूर्नामेंट में। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन किया जा रहा है, प्लीज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन किया जा रहा है, अजहर क्रिकेट क्लब जाजोद वर्सेज पुनिनी टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों का लेकर मैदान के बीच में आ जाए, राष्ट्रीय गान होगा, जब भी राष्ट्रीय गान शुरू हो जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्रीय गान की आवाज आपके कानों में गूंजे तो प्लीज अपने अपनी जगह पर सावधान की पोजिशन में आप खड़े हो जाएंगे, ये हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन किया कर रहा हूं कि राष्ट्रीय गान की आवाज आपके कानों में पहुंचे तो अपनी जगह पर आप सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे।
सर इस मैदान की तरफ जाती है प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला मेगा फाइनल मुकाबला अजहर क्रिकेट क्लब जाजोद वर्सी जीपुननी के मथे शुरू होने ही वाला है। हालांकि टॉस जीता है जाजोद टीम कैप्टन है बल्लेबाजी तो थोड़ा सा ये टोटल अच्छा हो स्कोर बोर्ड के ऊपर एक अच्छी साझेदारी हो लेकिन पुननी के गेंदबाज कते ही नहीं चाहेंगे उनकी कोशिश रहेगी कि शुरुआती ही ओवर में एक दो इनको झटका दिया जाए। इस तरह से पहली बॉल डेड बॉल घोषित की गई है Thank you.
सुरेश मंसूर जोड़िया का भाई बता रहे हैं हमारे साथ में संजय भाई का बहुत अच्छा दोस्त है ना Thank you.
भाई साहब आवाज़ का ये सीन है कि अभी लाइट नहीं है तो उस वजह से कॉमेंट्री नहीं हो रही, जैसे ही लाइट आती है कॉमेंट्री फिर से शुरू हो जाएगी। विकेट गिरा
स्कोर है इस समय 21 रन 2 विकेट का नुकसान था। नवीन बिल्कुल नवीन आउट हुए हैं, बड़ा विकेट गिरा है ये, हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है। 17 रन से इस समय युवराज सोनी साहब भी इस समय हमारे बीच आ चुके हैं, बड़ा मुकाबला है ये करोड़ मरों की स्थिति। इस मुकाबले में फाइनल मुकाबला चल रहा है और जुबेर खान डांस ग्लोबल एकेडमी के जो डायरेक्टर है जिन्होंने क्या हमें पार्टी दी थी रात को भेदवाड़ा का वो होटल साई दस्तरखान उस होटल का नाम है, वहां पर रात को गए थे। बहुत बढ़िया उन्होंने इंजॉयमेंट करवाया सभी जो वॉलंटियर है इस टूर्नामेंट में। जुबेर खान भी एक बड़ा नाम है, डांस ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर है। बात कर लेते हैं इस समय सलीम गजनी की, सलीम गजनी भी ब्रांडर बनाता है, दोनों कमेंटेटर को 500 रुपये उन्होंने दिए हैं और हमारे जो लाइव ऑपरेटर है अब्दुल वासिद और सुशील उनको 500 रुपये दिए गए हैं। और मकसूद खान NRI वो भी इस समय यहाँ पर बैठे हुए पुरानी के समर्थक में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और टूर्नामेंट का जो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब है वो माजिद काजी की तरफ से दिया जा रहा है। 11,000 रुपये नगद है मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार के लिए। नए बल्लेबाज विजेंद्र जांगो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 2 छक्के लग चुके हैं। पहला राम और नवीन ठंडुरी आउट होकर मैदान से बाहर हो गए और इस बार वेल बाउंड्री आती हुई वाइट का इशारा हो रहा है। 5 रन बिना किसी गेंद के खाते में डूबते हुए स्कोर इस समय 26 रन। हरी भाई बिल्कुल आपने सही कहा है, हर किसी को सपनों का शहर नहीं मिलता। हर किसी को तमन्नाओं का शहर नहीं मिलता, चलना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। ये परिस्थिति इस समय से बात रही है, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद इस बार अपने आप को अलग किया और जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए। बड़ा मुकाबला चल रहा है, मकसूद खान NRI है वो भी इस समय इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है। ग्रामीण हासिल की एक टीम ही बची है और एक टीम जादू की बची है। खूब जोर लगाया आसपास के क्षेत्र के लोगों ने कि यहाँ पर फाइनल खेला जाए, लेकिन भाग्य सलीम गजनी के साथ में था, उनकी टीम इस समय फाइनल खेल रही है और अदर स्टार जादू के जो अदर है उनके साथ गेंद भी कराए सारे मोड़ा है। इस बार गेंद को शॉर्ट फटिकट से जब तक गेंद को फील करेंगे समय एक रन पूरा करने का, जिसे एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सलीम गजनी की तरफ से 2100 रुपये का इनाम है हैट्रिक बनाने वाले गेंदबाज के लिए। हाथ से और 2 विकेट दिए गए, बहुत अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया गेंद। कमेंटेटर हमारे पास इस समय आरिफ भाई नुआ 500 रुपये है उनको दिए हैं सलीम गजनी ने अच्छी कमेंट्री के लिए और 500 रुपये मुझे दिए, 500 रुपये है वो लाइव ऑपरेटर को दिए है। कुल मिलाकर बड़े भमासा रहे हैं इस टूर्नामेंट के सलीम गजनी, जिनके तरफ से लगातार इनाम आरिफ भाई आते रहते हैं और उसके बाद में NRI मशहूर भाई उनकी भी बहुत जबरदस्त भूमिका रही है इस टूर्नामेंट में, खासकर पूर्णी के डिस्ट्रिक्ट से हम देखे तो उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। NRI है मकसूद भाई, ठीक है इस बार बहुत बढ़िया नोबल का इशारा आ रहा है। ये लीजिए मूवमेंट को शिफ्ट करने का मौका मिला है यहाँ पर मनीष शर्मा को। मनीष शर्मा बहुत तगड़े खिलाड़ी है, बल्ला हालांकि खामोश ही रहा है इस प्रतियोगिता में मनीष का, लेकिन आज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई है। उसका कारण ये है हर विकेट के ऊपर 200 रुपये का इनाम है सलीम गजनी की तरफ से और हैट्रिक वाले गेंदबाज के लिए 2100 रुपये का इनाम है। फिर एक मिला है मनीष को, 38 सर्कल लगा हुआ है, 20-20 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। 20 ओवर अगर पूरी बल्लेबाजी करती है अजर स्टार जादव की टीम लगभग 160 से 170 रन बना सकती है इस मैच में। कुछ भी नहीं कर पाए फिर की गेंद के ऊपर, डॉट गेंद शानदार गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर के बाद स्कोर 28-2 विकेट के नुकसान पर। शहीद मुश्ताक अली खान मेमोरियल कप 2022 का ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है इस समय दो बड़े टीमों के बीच।
एक तरफ आदर स्टार जादू ने, दूसरी तरफ सलीम गजनी पूर्णिमा की टीम है। पूर्णिमा और जादू का जब जब भी मैच हुआ है इतिहास गवाह रहा है, पूरा मैदान है दर्शकों से भरा भरा रहता है। आज दोनों टीमों के समर्थक लेके ढोल और तासों के साथ में आए हैं। पता है कि आज लास्ट डे है इस टूर्नामेंट का, फिर यहाँ पर न ये सिस्टम रहेगा, न ये कमेंट्री रहेगी, न ये खिलाड़ी रहेंगे, केवल तन्हाइयां रहेंगी। 200 रुपए इनाम हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, गुलाब खान की तरफ से आवाज आ चुकी है, इनामी राशि लगातार देखिए 10-10 रुपए बढ़ा रहे हैं। 50 रुपए से शुरू हुई थी इनामी राशि, इस समय 200 तक पहुंच चुकी है गुलाब खान की तरफ से। जी कमेंटेटर ने लिए ये 200 रुपए उन्होंने लिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब खान आपका कि आप इसे सहयोग करते रहे। फाइनल मुकाबला चल रहा है, राजवीर सिंह राठौर आ चुके हैं गेंदबाजी अटैक पर, पांचवा ओवर पारी का ये सामना करने के लिए समय विजेंद्र जांगो तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बैकफुट पर गए थे कट करने के लिए और लगातार आदि भाई हम अपील यही कर रहे हैं कि गेंद के टाइम आपको बताना नहीं है, चौका लगने के बाद में बताइए, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास किया था इस बार गेंद जारी इसमें लेग क्षेत्र में, इसमें कितना अच्छा नहीं है बल्ले और गेंद के बीच, लेकिन फिर भी दो रन यहां पर आराम से बल्लेबाज दौड़ लेंगे। इन दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इसमें 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पांचवा ओवर चल रहा है पारी का ये। मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार में सबसे आगे चल रहे हैं राजवीर सिंह राठौड़, अगर यहाँ से एक विकेट उनको मिल गया तो कुल मिलाकर मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार के ऊपर उनका थप्पा लग जाएगा, मोहर लग जाएगी उनकी। और ठीक है इस बार एक बिफोर की अपील, कोई असर नहीं सभी का एफआईआर के ऊपर। स्कोर कार्ड अपडेट मेरे पास नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं जो ओनर है सुनिए उमर खान जी सुनिए हमारे बीच आ चुके हैं। नदी भाई आउट हो गए पहले लोग, समरी बता देता हूं इसलिए ये गेंद के बाद में समरी बताता हूं, आप लाइव चालू रखिए। अच्छी गेंद की कट किया है इस बार गेंद को, सोने के हाल मैच की ये उमर भाई रोज आज इस मुकाबले का जीता है, रोज का बोझ रहा है आदर स्टार जादू और आदर स्टार जादू बैटिंग करा है गेंद को जीतकर। इस समय पांचवा ओवर चल रहा है पारी का, स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर, भैरवराम और नदीम धंधुरी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। रख दिया है इस बार गेंद को फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं रन बनाने का, फील्डरों से होकर एक बार फिर गेंद है वो गेंदबाज के पास पहुंचती है, बहुत अच्छा ओवर रहा है ये कुल मिलाकर राजवीर सिंह राठौड़ का। पांच ओवर के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं 30-2 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर अगर 20 ओवर पूरी बल्लेबाजी करते हैं भाई तो मुझे लगता है कि 150-160 रन यहाँ पर आराम से गेंद बना सकती है। बल्लेबाजी काफी अच्छी है, बहुत गहराई है बल्लेबाजी में अजय स्टार जादव के पास, और वही बात करते हैं पूर्ण की गेंदबाजी की, सलीम गजनी की तो ताकत रही है अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर, उनकी गेंदबाजी रही है, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है उसके पास बहुत बढ़िया स्पिनर है। स्वप्नी तारे हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक लक्ष्मण जी माइक्रोफोन हो रहे वो भी आप ऊपर दे दे लक्ष्मण जी, लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है गेंद, व्हाइट का इशारा आ रहा है और पूर्णी की टीम के जो समर्थक आज सांप भी लेकर आए हैं, क्योंकि सांप को हमेशा शुभ माना जाता है, वो भी आज लेकर आए ताकि इस मुकाबले के अंदर किसी भी प्रकार की ढिलाई ना रहे। ये देखिए कैसे कैसे शो के अरे भाई कट किया है इस बार, बिल्कुल गेंद चले गई फटों के हाथ में, एक ट्राई दो ट्राई तीन ट्राई के अंदर यहाँ पर मनीष आउट होकर मैदान से काफी देर से फॉर्म से घूम रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपर लेंथ हो दे रही थी उनके, मिडल हो दे रही थी, इस बार यहाँ पर गलती करवाई सोचने के लिए और गेंद चले गए सिंधु राजवीर सिंह राठौर के हाथों में। तो इस तरीके से तीसरे विकेट का फसल हुआ,
आउट होकर इसमें मैदान से बाहर जाते हुए बड़ा झटका लगा है। कोई ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाए। मनीष शर्मा आठ गेंदों से तीन रन बनाकर आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए पूरे टूर्नामेंट के अंदर आउट हो भी रहे मनीष। अब शायद बारी होगी मेरे हिसाब से अरमाज राठौड़ आएंगे बैटिंग करने के लिए। देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, ढोल से लगातार उनकी आवाजें सुन सकते हैं लाइव के माध्यम से। राजस्थान का भी होगा कि शेखावाटी अंचल का अभी भाई सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। बहुत सारे हमासा है, आपने बताया था जिस तरीके से कैसे वालों का शहर है जादौर जहाँ पर मैदान है जहाँ पर टूर्नामेंट खेली जा रही है। बिल्कुल ऐसा मानता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि कुल मिलाकर जादौर की इस टूर्नामेंट के अंदर लगभग 14 टीमों से एक की टीम आदर स्टार जादौर जो इस समय फाइनल खेल रही है। राज ग्लोबल एकेडमी जादौर जिसके ओनर अभी भी सुबह भाई हमारे साथ ही जुड़े थे। पेज
सभी दर्शक एक बार लाइव के बारे में जरूर बताएंगे, ऐसा क्या लगा आपको, कुछ कमी है तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उनमें सुधार की कोशिश की जाएगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो वो चीज़ भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मनोहर खान मंजी आ चुके हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत आपका। जहांगीर खान जाजोद, असीम खान खोकर, मंजूर अली सऊदी अरब से देख रहे हैं, सलमान दुबई से देख रहे हैं, और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ पर सरपंच जी भी इशारा कर रहे हैं चार रन के लिए, लेकिन इशारा भी इससे फ्लेट आ रहा है उनका, लेकिन अली हसन जी सर खुद देखकर आएंगे, वो कभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आरिफ भाई, क्रिकेट है संभावना का खेल है, अनुशासन का खेल है, खिलाड़ी अगर इसी कंडीशन में हो उनको खुद को बता देना चाहिए कि ये बाउंड्री के बाहर चली गई है या नहीं है। ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती जब अनुशासन के साथ में क्रिकेट होती है। वहाँ पर मौका अली हसन जी सब कुछ चले गए हैं और वहाँ देख रहे हैं, अब जाकर उनका शायद कोई इशारा आएगा, वो शायद खेलने से भी कुछ कह रहे हैं कि बेईमानी के घोड़े ज्यादा दिन तक दौड़ते नहीं है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, अनुशासन हमेशा आपको लिमिट में रखता है, कंट्रोल में रखता है। और देखिए ये हमारे ऑफिशियल एम्पायर है अली हसन जी, जो की कपकाठी उनकी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों से मिलती है, और दुर्भाग्य ही होता कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं किए हैं अब तक। आप जाकर देखते हैं क्या इशारा आ रहा है एम्पायर का, धन्यवाद, अपनी जगह के ऊपर आकर इशारा देंगे। जी हाँ, आप देखिए क्या उनका इशारा है, और देखिए यहाँ पर सभी लोग देखिए क्या जबरदस्त किया है, उन्होंने कह दिया कि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है, पृथ्वी के बल्ले से निकलने वाला है चोट का तुक्का, अच्छी गेंद इस बार गौतम पर गई, गेंद को बहुत सफाई से मिड फील्ड क्षेत्र में खेला है, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे बल्लेबाज, इसी क्रम की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 49-49 रन इस समय स्कोर हो चुका है। देख सकते हैं कौन सा राजस्थान के जो इस समय ओनर है मुबारक भाई, वो लगातार अपने फेसबुक के ऊपर इस लाइव चला रहे हैं, बहुत सारे फॉलोवर है मुबारक भाई के सोशल मीडिया पर, और फिलहाल जमाना भी सोशल मीडिया का चल रहा है। बहुत ही बढ़िया शॉट है, इस बार गेंद चली जाएगी पहले बाउंड्री के बाहर चार रन, इस बार विशेषकर सामने के बल्लेबाजों के लिए खूबसूरती के साथ शुरू कर दिया गेंद को चार रन के लिए। तो फिलहाल सात ओवर के बाद बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और भी एक और गुजारिश करूंगा जो यहाँ पर टोली लगी हुई है उसके ओनर है रामपुर पर, जिन जिन भाइयों ने रामपुर से जो भी सामान लिया है वो आज उनका पेमेंट करने पूरे तरीके से बड़ी बात नहीं है, और इसका पैसा मैं कह रहा हूँ किसी भी सूरत में हजम नहीं होने वाला है। सभी लोगों से ये अपील रहेगी मेरी कि इस बच्चे का जो भी हिसाब है आपके पास आपको पता है वो सारे के सारे आज इसका हिसाब कर दे, क्योंकि बाद में दुकान में जाने का टाइम मिले अरे भाई नहीं मिले, क्योंकि पिछले जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया पेज को फॉलो करना ना भूलें, फॉलो जरूर कर लें।
अपने जाजोद लक्ष्मण जी, बिल्कुल मैंने फोन पे नंबर पिन कर दिया यहाँ पर। मैंने कमेंट में फोन पे नंबर है जो वो पिन कर दिए। नवाब खान भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। पारी के फिलहाल आठ ओवर चल रहा है पारी का। ये स्कोर है इस समय 6-3 के नुकसान। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है इस समय अजय निषाद जाधव इस मुकाबले में, और दूसरी तरफ है सलीम गजनवी की टीम। आसपास के अंचल की इकलौती टीम है जो फाइनल के अंदर पहुंची है। बहुत टीमें अच्छी गेंद थी इस बार, विकेट पर जाकर गेंद को बहुत सफाई से लोगों क्षेत्र में गेंद को धकेल भर दिया, और यहां पर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे सभी ही बल्लेबाजों के पास एक रन पूरा करने का। 8 ओवर के बाद स्कोर है 66-3 के नुकसान। बहुत बड़ा मुकाबला है आज, मैं शुरू से आपको अपडेट करवा देता हूँ। इस बड़े मुकाबले का सीता है वो अली हसन जी के हाथों से उठाला गया था, तो सीता था यहाँ पर अजय निषाद जाधव ने बैटिंग करने का फैसला किया। बहुत जल्दी तेरा हाथ का विकेट गिरा, और उसके बाद में कुछ अंतराल के बाद में नदीम धनसोवी वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर कुल मिलाकर 3 मैच खेले हैं। 3 मैचों के अंदर 4 मैच खेले हैं नदीम ने, और 4 मैचों के अंदर जो परफॉर्म रही है नदीम की, केवल 1 मैच में रन किए हैं, बाकी 3 मैचों के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। दूसरे मैच के अंदर 0 पर आउट हुए, तीसरे मैच में 0 पर आउट हुए, और आज के मैच के अंदर भी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्म रही नहीं नदीम की, और बिल्कुल एक खराब गेंद के ऊपर अपना विकेट लेकर चले गए। इस समय एक बड़ी साझेदारी बन रही है, 17 गेंदों में 33 रन जोड़ लिए हैं। पृथ्वी 11 गेंदों में 23 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। विजेंद्र जांगो 14 गेंदों में 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 9वां ओवर शुरू हो रहा है पारी का। ये यहाँ से देखिए प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ से दिखा रहा है अरे भाई, 163 रन यहाँ से बना सकती इस तरीके से बल्लेबाजी होती हुई। तो पूरा शॉट दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस टेम के बाहर निकलती हुई गेंद, इस बार कट करने का प्रयास किया था, सफल हुई नहीं। पृथ्वी का बल्ला भी खामोश रहा है प्रतियोगिता के अंदर, लेकिन आज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ लंबा स्कोर करेंगे इस मुकाबले में, और करना भी है, बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है ये। जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेंगे एक बार फटाफट। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद इस बार, देखिए ये होता है अनुशासन। चलने के लग रही है पृथ्वी के, पृथ्वी ने पैर की तरफ देखा भी नहीं, पैर के चले गए हैं अपने छोर के तरफ। ये बिल्कुल बिल्कुल होल्ड हो गए यहाँ पर शायद, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आप आउट हो चुके हैं, उठने की संभावना नहीं है, और जिस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर एम्पायर का दिखा है, मुझे ऐसा लगा नहीं है कि कहीं ना कहीं
ये देखिए लगकर गई है बल्ले से और विकेट में लगी है। अब देखते हैं अली हसन की चीज को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि बिल्कुल सही गेंद विकेटों में लगी है, तो यहाँ पर तो कोई उंगली उठाने का इशू था ही नहीं। तो ये क्रिकेट है, इसे संभावनाओं का खेल है। 2100 रुपए आक्रम लोन खाने की तरफ से लगातार तीन छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए आज ग्लोबल एकेडमी जादव के जो ओनर है जुबेर खान पाड़िया ने क्या जबरदस्त पार्टी दी थी। शाहिद दस्तर खान जितने भी होलेंडर यानी भाई जोरदार कल रात को देखोड़ा के अंदर मुझे लूट कर आए हैं, लेकिन आज देखते हैं पार्टी किसकी बनेगी, क्योंकि दो टीमें इस समय टाउन के ऊपर लगी हुई है। बहुत बड़ा छक्का लगा है यहाँ पर, पृथ्वी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। 23 रन पृथ्वी ने बनाए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्ले के ऊपर आ रहा था गेंद। मैच का जो टाइम है ठीक 1:15 बजे तक मैच चलेगा, 1:15 बजे के बाद में मैच को बंद कर दिया जाएगा, बाकी मैच है जुमे की नमाज के बाद खेला जाएगा। इस तरीके की परिस्थिति रहेगी। ₹2100 आक्रम लोन खाने की तरफ से जो है वो केवल बैटिंग टीम के लिए है, लगातार 3 छक्के पर ऑफिस टेम के बाहर निकलती हुई गेंद। अरबाज राठौड़ आए हैं बैटिंग करने के लिए, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं अरबाज। अरबाज का भी विशाल गोदारा है बैटिंग करने के लिए, कल के मैच के हीरो विशाल गोदारा क्या जबरदस्त पारी खेली थी और आज ये टीम फाइनल के अंदर खड़ी है, वो विशाल गोदारा की देन है। बहुत अच्छी गेंद थी, बैकवर्ड पर गए, कट किया गेंद को, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग यहां पर, 4 बल्लेबाज। जी बिल्कुल, अब आया 1 नंबर के बल्लेबाज विशाल गोदारा। टीम फाइनल खेल रही है, इसमें कहीं ना कहीं हरी भाई बहुत थोड़े हुए हैं, ऑफिस टीम के बाहर कट किया है इस बार गेंद को, फील्डर मौजूद, कवर पॉइंट के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। क्या छक्के लगाए थे विशाल गोदारा ने कल के मैच में, बहुत ही उमदा बल्लेबाजी की थी विशाल गोदारा ने। यूं कहिए कि पूरी तरीके से मैच दुबो स्टार जादव के पक्ष में जा रहा था, लेकिन एक ओवर के अंदर मैच की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई थी कल के मैच में। वो खिलाड़ी था विशाल गोदारा, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, वैसे बल्लेबाजी की आप भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्णनी सलीम गजनी की टीम है वो इस समय हावी हो रही है इस मैच के ऊपर। 67 के ऊपर 4 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। गेंद इस बार ऊपरी किनारा लगा था बल्ले का, फील्डर मौजूद होगा, एक बाउंस के बाद फील्डर के पास गेंद पहुंची, कोई नुकसान नहीं यहाँ पर। इसी के साथ 9 ओवर पारी के समाप्त हुए, 67 रन 4 विकेट का नुकसान था। आउट होने वाले बल्लेबाज का कैलकुलेशन करते हैं हम, सबसे पहले जो आउट होने वाले बल्लेबाज थे बहराराम 4 गेंदों से 3 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद में 11 गेंदों से 10 रन बनाकर नदीम भंदूरी आउट हुए, उसके बाद में हम बात करें पृथ्वी 13 गेंदों में 23 रन 5 ओवर की मदद से बनाए। जी ओके और उसके बाद में बात करें हम कुल मिलाकर मनीष शर्मा 9 गेंदों से 3 रन बनाकर आउट हुए, ये कुल मिलाकर स्कोर कार्ड है बल्लेबाजों का जो बल्लेबाजी हुई है अब तक। 10वां ओवर शुरू हो रहा है पारी का, आफ्ताब इस समय गेंदबाजी अटैक के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, बकाया राशि जो 11,000 रुपए है जिनके पास, वो सभी लोग हैं इमरान भाई के पास बकाया राशि है वो जमा करवा दे, आज फाइनल है, पैसे इराज देने हैं, इनामी राशि लगभग 2 लाख रुपए देने हैं, जैसे एम्पायर है, कमेंटेटर है, ऑफिशियल लोग हैं, उनका भी आज हिसाब करवाना है।
रवि जी देखिए कल के मैच के अंदर जो कुछ होना था वो सारी चीजें हो चुकी है, जब भी दिल है मैं जानता हूँ उन चीजों को, लेकिन सलीम गजर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो माविन ने जो खेले उतारे थे ना उनकी हमने वाह कर दी, वाकई अंदर बहुत अच्छा कमेंट किया था उन्होंने। सलीम गजरी भी ब्रांडेड भमासा है, जानते हैं सभी, गेंद भी कट गया है इस बार, गेंद को गेंद जारी अष्टा कवर क्षेत्र में, तोफिक भाई के तो पैसे घूस ले रहे हैं और आज रामू का भी हिसाब करने भाई जिनके पास पैसे बताए हैं रामू के, बहुत अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद, आफ्ताब इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं, 69 रन इसमें स्कोर हो चुका है और पारी का ये 10वां ओवर चल रहा है, तो यहाँ से 150 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है 20-20 ओवर के मुकाबले में, सिर्फ विकेट अभी भी हाथ में है और इस बार फिर भी आए गेंद को खूबसूरती के साथ फील्डर है पीछे, जब तक गेंद को फील करेंगे सभी एक रन पूरा करने का, एक तरीके से बल्ले के ऊपर मिडल हो नहीं पाई गेंद, विशाल गुजारा बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मिडल करते हैं गेंदों को, क्या छक्के मारे थे कल उन्होंने, सबसे पहले रडार के ऊपर लिया था योगी को, फिर बाद में तो गेंदबाजों की जो धुलाई की है वो वाकई में देखने लायक थी, 10 ओवर के बाद में ड्रिंक्स ब्रेक करवाया जाएगा, गेंद इस बार हकोले पर लेकर गेंद को खेला है मिडिल क्षेत्र में, दोनों फील्डर के बीच में जा रही है गेंद, खाना जरूर हुई है लेकिन दो रन आराम से पूरे कर लेंगे, मौका तो 20 रन का भी था लेकिन विशाल गोदा यहां पर दूर चले गए थे जांगू, ओवर समाप्त हुआ 10 ओवर के बाद स्कोर 72, 72 रन 10 ओवर के बाद बन चुके हैं, तो यहां से इसी हिसाब से भी हम देखें तो 150 रन बिल्कुल आनी पड़ी आराम से बन रहे, आपको क्या लग रहा है अब 10 ओवर का खेल बचा है 6 विकेट आपके पास है तो कम से कम बचे हुए 10 ओवर के अंदर कम से कम बता रहा हूँ 80 रन चाहिए थे, बिल्कुल बिल्कुल लगता भाई जिस तरह की साझेदारी हुई जिस तरह का टोटल लगा है 10 ओवर में, तो मैं समझता हूँ बचे हुए बाकी 10 ओवर में 80 रन बनाने पड़ेंगे ज्यादा, तो बोलने की टीम अच्छी टीम है और बहुत अच्छी टीम है, फाइनल खेले और बहुत अच्छी टीम है और जिसका जिक्र आप बार बार अपनी कॉमेंट्री भी कर रहे हैं, एक अच्छी है अभी जादू के पास में, आधा सफर आपने तय कर लिया बचे हुए 10 ओवर में, अगर 80 या 70-80 रन लगा लेते हैं तो फाइटिंग टोटल जरूर हो जाएगा, और जब फाइटिंग टोटल होगा ना फिर एक अच्छा मैच होगा, बरहाल क्रिकेट है अनिश्चितता खेल है कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जीत करने वाली टीम के ऊपर में प्रेशर जरूर आ जाता है, इतना मैं जरूर कहता हूँ कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जब आप स्कोर को चेंज करने के लिए बीच मैदान में जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, टीम का प्रेशर होता है, बैकआउट का ड्रेसिंग रूम का माहौल का प्रेशर होता है, और जब प्रेशर में बल्लेबाजी करने के लिए जाता है तो एक अच्छा गेंदबाज एक आदमी अच्छी गेंदबाजी कर लेता है तो उसके बाद जब बल्लेबाज थोड़ी छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो इनसाइड एज जब लगती है तो फिर विकेट जाते हैं तो फिर परेशानी आती है, तो मैं समझ रहा हूँ कि क्रोस जीता है, हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं चलता भाई 5 रन की ओर पहला झटका लगा था उसके बाद अंतराल के बाद विकेट प्राप्त करता है पुणे की गेंदबाज, लेकिन कुल मिलाकर 10 ओवर में 72 रन 72 रन अच्छे रन है, मैं कहूँ बचे हुए 10 ओवर में भी 80 रन बना लेते हैं 70-80 रन है तो ये फाइटिंग टोटल स्कोर जरूर हो जाएगा, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा 10 ओवर में, और बाकी ही माहौल जो है यहाँ का इस स्टेडियम का दर्शकों का जो हुजूम लगा हुआ है मानो ऐसा पर दर्शकों का सैलाब का हो पड़ा है इस जादू की इंडियन गार्डन स्टेडियम भी कहूँगा मैं इसके ऊपर बहुत ही नगाड़े बहुत अच्छा माहौल बना के रखा दोनों टीमों के डगआउट के आगे और जब तक कुछ 4-6 लगते हैं तो जासूस का डगआउट में बिल्कुल उत्साह का माहौल होता है, एक आधा विकेट लेता है तो सलीम रजनी पुणे टीम के जो स्पॉन्सर हैं उनके डगआउट के आगे उत्साह का माहौल खुशी का माहौल होता है, क्रिकेट की खूबसूरतियाँ हैं, क्रिकेट का श्रृंगार कहूँगा आगे दर्शक के बगैर और बन के ऊपर इस क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है तो बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत आयोजन और बहुत शानदार टेलीकास्ट है आपका भी बन ओवन के जो डायरेक्टर हैं सुशील चौधरी इनके द्वारा इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर और बहुत सुंदर प्रसारण कहूंगा मैं जबरदस्त क्लियरिटी मानो कितना शानदार लाइव टेलीकास्ट
शमशेर भाई पूर्व पूर्व कप्तान आपकी तरफ से भी अगर कोई भी बल्लेबाज शतक लगाता है तो 500 रुपए दिए जाएंगे और अगर शतक लगाते हैं तो भी 500 रुपए। दोस्तों मैं माफी चाह रहा हूं, शमशेर भाई पूर्व कैप्टन आपकी तरफ से घोषणा की गई है और ड्रिंक्स टॉली पिच मैदान से वापस आती हुई बहुत जबरदस्त बड़ा फाइनल मुकाबला मेगा फाइनल मुकाबला जाजो के ऐतिहासिक मैदान दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। देखिए देखिए मैं बता देता हूं जिन लोगों ने फरमाशा के रूप में इस टूर्नामेंट के अंदर अभी भाई सहयोग किया है, पूर्व कप्तान हवेली जाजो के शमशेर भाई के तो कहने क्या, क्रिकेट की बारीकी को जानते हैं, पीछे खड़े हैं ग्राम पंचायत सरपंच मावीर जाट, बड़ा नाम है, बड़े भमासा है और उनके तरफ से भी 500 रुपए की घोषणा हो रही है। आदर स्टार जाधव जो बैटिंग कर रही है उसमें कोई भी बल्लेबाज 50 रन बनाते हैं तो 500 रुपए सरपंच जी की तरफ से भी है और सलीम गजनी ब्रांडेड भमासा है इस टूर्नामेंट के उनके तरफ से भी देखिए 500 रुपए आपको आरिफाई दिए गए हैं, 500 हमारे सुशील चौधरी को दिए गए हैं और 500 रुपए मुझे दिए गए हैं यहाँ पर सलीम गजनी की तरफ से और मकसूद भाई एनआरए वो भी इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है, ड्रिंक ब्रेक के बाद मैच एक बार फिर शुरू होता हुआ तो इस तरह से ओहो उछाल के खेला फील्डर गेंद के नीचे और जबरदस्त कैच पकड़ा, जबरदस्त कैच पकड़ा है यार जबरदस्त। हालांकि शॉट में कोई खराबी नहीं थी, बहुत नाराज होंगे, अच्छा शॉट पिक किया था लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर, हवा में गेंद थी, गेंद के ऊपर नजरें थी फील्डर की, लंबी दौड़ लगानी पड़ी अल्ताफ भाई और आखिरी वक्त पर गिरते हुए ड्राइव करके दूसरे कैच को आसान कैच कराया, शानदार कैच पकड़ा है कि गिरते हैं सर सवार मैदान इज्जत में हो किल्फ क्या करी तो खुद घुटनों के बल चलता हो, क्या जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत शानदार भाई कैच पकड़ा है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मुश्किल कैच को आसान बनाए क्योंकि बहुत बड़ा रोल अदा था भाई, अरे किसी ने बहुत पुरानी कहावत है क्रिकेट के अंदर की पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, ये यहाँ होना बहुत जरूरी होता है। आज वह विकेट 72 की जो लेने वाला विकास मिला कुछ और अच्छा कर रहा है, पहला ओवर लेकर आया, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था शायद ओवर की पहली गेंद पर, हालांकि इसमें विकेट इससे विकेट के अंदर मातम इनके जो फील्डर है उनका दोनों हाथ है, विकास मैना को ये विकेट प्राप्त करवाने में बहुत अच्छा एफर्ट था, निगाहें रखी दौड़ते गए और बहुत शानदार तरीके से डाइव करते हुए मुश्किल कैच को आसान बनाया, बहुत शानदार एफर्ट था। और नए बल्लेबाज अरबाज राठौर आए हैं बीच मैदान में और इनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगे, एक साझेदारी की जरूरत है अगर टोटल आपको 170 या 180 तक लेके जाना है। बहरहाल आई थिंक टोटल मेगा फाइनल मैच है, दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं, सलीम गजनी ये पुणे टीम के स्पॉन्सर हैं, वहीं अजहर क्रिकेट क्लब जादौर जो टीम कैप्टन है, और जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच जादौर टीम की खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पे खेला जा रहा है। विकास बिना लंबे कद के गेंदबाज है, बहुत अच्छा बॉलिंग दोनों शुरू किया, अंपायर को भरके नहीं चला, अच्छी कहती और ये रन लेन आउट और ये माल माल बचे, इस तरह की गलती कर नहीं कर पाए, कामयाजा उठाना पड़ सकता है, गेंद फील्डर के हाथों में थी, आफ्ताब नहीं देखा, स्ट्रोक लगते ही दौड़ पड़े थे, लेकिन ये दुर्भाग्य था पुनेनी का कि स्टंपो में गेंद नहीं टक रही, अदरवाइज एक विकेट का और पतन हो सकता था, बहुत अच्छी फील्डिंग। अरबाज राठौर का थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, इस तरह की हड़बड़ाहट उतावला पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, देखो विकास मीना राइट अप राउंड का विकेट आने का फैसला, बहुत अच्छी गेंद क्यों का लेंथी गेंद, इस गेंद का तोड़ नहीं होता था भाई, बिल्कुल आसानी नहीं होती बल्लेबाजों के पास में,
बैक और बैक को जोड़ तो वह गेंद के ऊपर आए, बीच में बल्ले के लेके गेंद को धकेल देता स्वयं, अपने बॉल थ्रू में गेंद को फील्ड किया। अभी भी 72 पॉइंट की कॉली आगे की डगआउट में जा बैठी है जादव की। 11वां ओवर अभी भी डाला जा रहा, बड़ा मुकाबला, डू एंड डाई दोनों टीमों के लिए, करो या मरो वाली स्थिति में ये मैच, राइट एंड रॉन्ग गोमी जी। और इस बार निकाला फील्डर मौजूद है, इस बार अच्छी रनिंग बिटवीन की कहूंगा मैं। एक और रन बढ़ता है स्कोर जब 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर अभी भी पर गति पर पट्टी की तरह ये फाइनल मुकाबला पुनरी वसई जी जादव के मध्य जादव के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। विकास मीना ने बहुत प्रभावित किया अपनी गेंदबाजों से, लंबे कद की गेंदबाज है, थोड़ा सा हरकतें भी करवा रहा है, दौड़ना शुरू किया अंपायर को मार के राइट आउट। पारी के फिलहाल 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 11 ओवर के बाद स्कोर है 78। कोई भी बल्लेबाज यहां पर शतक लगाता है, अरे भाई शतक लगा नहीं है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, हाई स्कोर एक बल्लेबाज द्वारा लगाया गया रजत छबरवाल 77 हाई स्कोर इस प्रतियोगिता का। तो यहां से मैं बता दूं असलम भाई जाधव की तरफ से बड़ी घोषणा हो रही है शतक लगाने बल्लेबाज वाले बल्लेबाज के लिए 3100 रुपए का नगद इनाम है, और कोई भी बल्लेबाज सामने जो पानी की टंकी भरी हुई है उसे गेंद को लैंड करवाता है तो 2100 रुपए उसके ऊपर है। हैट्रिक वाले गेंदबाज के लिए भी बड़ा इनाम है 2100 रुपए है। असलम भाई जाधव की तरफ से बढ़ा दिए उन्होंने पैसे हाथ धुल मिलाकर इस बड़े मुकाबले में। बड़े ब्रांडेड भमासा मोदी खा राधास की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले आफ्ताब ने जो कैच पकड़ा है क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है, 500 रुपए का इनाम है मोदी खा राधास की तरफ से। जोरदार ताली हो जाए मोती भाई के लिए एक बार, मोती भाई भी खिलाड़ी है और अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई है पूरी कर रहे हैं, क्या जबरदस्त प्रेसिडेंटी के मालिक अच्छी गेंद थी इस बार। लेग बिफोर की हल्की सी अपील जरूर होगी लेकिन कोई असर है नहीं एम्पायर के ऊपर। बिल्कुल अकरम सरफ मुकरम था की तरफ से, कौन सी टीम जीती कौन सी नहीं जीती, कोई भी बल्लेबाज यहां पर 50 लगाता है थोड़ी देर 1100 रुपए है, 3 छक्के लगातार लगाता है तो 1100 रुपए है, यानी इनामी की राशि आज बढ़ती जा रही है। सलीम गजनी क्या जबरदस्त धमाका है, सलीम गजनी ने दोनों टीमों के लिए घोषणा की है, कोई भी बल्लेबाज 50 बनाएगा 1100 रुपए है और हैट्रिक बनाएगा गेंदबाज उसके लिए भी 1100 है, दोनों टीमों के लिए ये होते हैं ब्रांडेड धमाका। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, थोड़ा सा उछाल था गेंद में और बहुत सफाई से अरबाज राठौड़ ने इस गेंद को खेला, अरबाज राठौड़ भी पूरी तरीके से आउटफॉर्म रही है इस प्रतियोगिता में, लेकिन आज कुछ नया करना होगा क्योंकि एक तरफ जो सलीम गजनी की टीम है पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया है सलीम गजनी की टीम ने, लेकिन यहां से अगर स्टार जाधव को अपना
लोहा मनवाना होगा इस मुकाबले में। बढ़िया बल्लेबाजी करके बोर्ड पर लगभग 150 रन लगाने होंगे। अच्छी गेंद थी, स्मार्ट कट किया गेंद को, फील्डर मौजूद और जब तक तो गेंद को फील करेंगे। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 12 ओवर के बाद स्कोर है 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दिखा राजा की तरफ से भी मैं आपको बता देता हूं मालिक भाई, बहुत बड़ा डोनेशन किया गया इस मैदान के लिए। एक मैदान के अंदर रूम बनेगा, उसका सारी जो लागत आएगी मोदीखा राजा करेंगे। ताज ग्लोबल एकेडमी के जो डायरेक्टर है जुबेर खान, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इस मैदान को तैयार कराने में। उसके बाद में मुकर्रम भाई, ये सुने हमारे बीच में ये विदेश चले गए हैं, उन्होंने भी 31,000 रुपये इस मैदान के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए 11,000 रुपये दिए हैं। 11,000 रुपये ओफी खान पाजिया ने दिए हैं और 11,000 रुपये इरफान भाई जो इमरान भाई के छोटे भाई, उन्होंने दिए। रोशन खान की तरफ से 11,000 रुपये। बहुत सारे ऐसे भमासा है, लेकिन सबसे बड़े भमासा जो रहे हैं 21,000 रुपये की जो बड़ी इनामी राशि है वो इसे टूर्नामेंट के लिए दिए आमिर भाई दिलावर खानी, वो भी इस समय विदेश के अंदर बैठे हुए हैं। यानी पैसे के हिसाब से कोई कमी नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, खूब पैसे लोगों ने दिए हैं, जितना हो सके पूरा सहयोग किया है, जिससे थोड़ा आसान रहता है ढूंढने में। बहुत अच्छी गेंद थी, किनारा लगा है बल्ले का और बहुत अच्छी फील्डिंग कहूंगा, वहां पर अगर गेंद निकल जाती तो निश्चित रूप से 4 रन बन जाते। सॉरी भाई क्या कहूंगी इन भमासों के बारे में, सेहत तो बनता है। बिल्कुल राजा भाई, बिल्कुल सही बात है, ये भामाशाह ही होते हैं ना, ये क्रिकेट को बिल्कुल रंग रूप देने वाले लोग होते हैं। मतलब ये समझता हूँ, इन भामाशाहों के बगैर कुछ भी नहीं होता। देखिए राजा भाई, सीने में दिल हर बंदे के, तभी तो बंदा सांस लेता है, धड़कना जिंदगी नहीं होता। बंदा जब जिंदा है ना तो जिंदा नजर आना चाहिए सबके पास में। पैसे इसका गेंद को निकाला, फील्डर मौजूद है, एक रन अवश्य मिलेगा, लेकिन पर्स पैसे किसी पे खर्च कर देना ये दिल वालों की बातें होती है। तो ये भामाशाह है, बाकी बड़ी चीजें इनके बारे में चलो आज एक दोस्ताना दौलत अपने बारे में बोल देता हूँ। जो आपने बोल दिया कि यादों की धुंध में तेरी याद परछाई सी लगती है और सन्नाटे में गूंजती सहनाई सी लगती है। दोस्तों आपका साथ है तो दुनिया जन्नत है, वरना सीने में भी सांस भराई सी लगती है। तो वाकई भामाशाह होने बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी टूर्नामेंट में। एक बार फिर लेते हैं बहुत अभी, और इस बार बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। चीजों से धुन बचाए हुए लेना चाहते थे फील्ड, देखा कि गेंद फील्ड हो चुकी है, अपना इरादा बदला, अपना में सुरक्षित लेकिन लोगों को सीमा रेखा के ऊपर जब तक की गेंद को फील्ड करते सर समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, अपनी स्ट्राइक को रोटेट अपना चोर चेंज किया। बड़ा मुकाबला चल रहा है, ये साजिद पूर्णी एक बड़ा नाम है राजस्थान क्रिकेट में। इस ओवर के बाद बातचीत करेंगे, 85 रन इस समय स्कोर हो चुका है। क्या है इस बार फूल चोटी के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, फील्डर है वहां पर, जब तक गेंद को फील करेंगे समय 1 रन पूरा करने का। इसे 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद विनू भाई। बहुत अच्छी गेंद थी, स्मार ऑफिस टीम के बाहर निकलती हुई। तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवर के बाद स्कोर है 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अजय स्टार जाजोद जो इसमें बल्लेबाजी कर रही है टू जीतकर। देखिए मैं यही कहूंगा, अब तक बल्लेबाजी में कोई इतना दम रहा नहीं है, बल्लेबाजी इतनी अच्छी हुई नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए थी। टू जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया था, 5 टॉप क्लास बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर 86 रन लगे हैं। अब यहाँ से 7 ओवर बचे हैं, बचे हुए 7 ओवर में कम से कम हमारी भाई मुझे लगता है कम से कम बता रहा हूँ 50 रन और कम चाहिए यहाँ पर बनाने चाहिए। बिल्कुल लगता भाई अंकुश लगाया आधा शतक करने के बाद में 10 ओवर की समाप्ति पर बैठक थे, उसके बाद में बहुत अच्छे कमबैक किया पुणे के गेंदबाजों ने, गेंद को निकाला 5 ओवर के ऊपर से माता दस्तक बन के रह जाएंगे और गेंद चले गई काफी के सहारे 4 रन के लिए। और अच्छा कमबैक किया है पुणे के गेंदबाजों ने। और एक किसी भी भामाशाह का मैं नाम लेके आता जिन्होंने एक कैच पकड़ा था इस मैच के अंदर, उनको 500 रुपये दिए थे। वाकई क्रिकेट के जानकार, मतलब आप अंदाजा लगाएं अल्ताफ भाई, आकाश में गेंद थी, नजरें थी, टाइप थी, बहुत मुश्किल कह सकते हो। तो बहुत बड़ी बात होती है इस तरह का कैच को पकड़ना, कन्वर्ट करना बड़ी बात है कि मुश्किलों से मर रहे बंदे हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, डरने वाले के कदमों तले यहाँ होता है। इस तरह का जज्बा, इस तरह का जुनून, इस तरह का जोश होना चाहिए। किसी भी तरह का मैच इस बार गेंद को निकाला बहुत अच्छा,
रोथाले की स्टंपों पे नहीं टक गई, अदरवाइज नुकसान हो सकता था। एक रन अवश्य मिला। बैठता हुआ स्कोर 91, लॉस ऑफ 5 विकेट। देखिए गेंदबाजी कुल मिलाकर अच्छी हुई है, शुरुआती ओवरों के अंदर बहुत बढ़िया गेंदबाजी हुई है। जो तो आउट चल रहा है पारी का, ये 91 91 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं। अब यहां से बचे हुए ओवर के अंदर देखते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अजमाल राठौड़ और विजेंद्र सांगू। इस समय बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ही दाएं हाथ के और बाएं हाथ के बढ़िया बल्लेबाज है। तो यहां से पार्टनरशिप चाहिए हरी भाई, 20 के अंदर 20 रन है दोनों बल्लेबाजों ने जोड़े हैं। पीछे के जो विकेट है उनमें भी इसी क्षमता है, तेजी से रन बना सकते हैं। 92 स्कोर हो चुका है, 92 रन। इन बदमाशों की हरी भाई झटकी तारीफ कही जाए। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच मामिद जाट, उन्होंने कहा कि अल्ता भाई मेरे 11,000 रुपए इस टूर्नामेंट के लिए दिए हैं, और भी किसी भी प्रकार की मुझसे जरूरत होगी, जैसे अगर कम पड़ेंगे, जैसे आज पूरा हिसाब किताब मिलाना है, जितने भी कम पड़ेंगे वो सारी राशि इमरान भाई और महावीर जाट वही कन्वर्ट करेंगे, वही अपनी जेब से पैसे भरेंगे सारे के सारे, क्योंकि लेजर बॉल का टूर्नामेंट है, इसमें लागत ही लागत है, आने का कोई ज्यादा सिस्टम रहता नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है अल्ता भाई, बिल्कुल ये सरे के पाता नहीं है दोनों, ये जितने भी लोग हैं, मैं सरपंच साहब तो चलो पंचायत ने चुना है, आपको प्यार दिया है, पंचायत ने आपको सने दिया है, लेकिन इमरान भाई का जिक्र कर रहे हैं ये सारे वो लोग हैं। वापिस पिछले रन पे जाके गेंद को निकाला, लेकिन एक रन अवश्य मिल जाएगा। फर्स्ट स्लिप पे खड़े फील्डर ने लंबी दौड़ लगा कर गेंद को फेंक दिया, और अभी बहुत अटैकिंग फील्ड लगा रखी है। और अभी भी देखिए एक स्लिप नजर आ रही मुझे, एक गली पॉइंट कमर, एक इच्छा कमर, एक डीप इच्छा कमर, थर्ड क्या सर्किल के बाहर एक लॉन्ग लेग, एक मिड विकेट, और फाइनल बाउंड्री, डीप फाइनल बाउंड्री, डीप स्क्वायर बाउंड्री, विक्टो के पीछे विक्रम विक्टो से छिपके विकेट के पास, लेफ्ट आर्म बहुत अमेजिंग, राइट आर्म बहुत अमेजिंग, राउंड का विकेट, माफी चाह रहा हूं, हल्के हाथों से गेंद को निकाला। ये साझेदारी अच्छी है दोनों बल्लेबाजों को, पता है कि 10 ओवर के बाद में जिस तरह की बल्लेबाजी की गई थी बात करता हूं, उसके बाद में पहली गेंद पर ही विकास मीना ने एक विकेट प्राप्त की, उसके बाद में अंतराल में 2 विकेट और गिरे, तो इनके विक्टों पे अंकुश जरूर लगाया है, लेकिन कम्बल क्या है पुनेनी की गेंदबाजों ने, चाहिए कि थोड़ा सा टोटल हो स्कोर बोर्ड को, फाइटिंग टोटल होना चाहिए, दोनों बड़ी टीम है, दर्शकों को चाहिए अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, दर्शक यहाँ मैच देखने हैं, क्रिकेट को देखने के लिए आए हैं, दर्शकों को सिर्फ चाहिए इंटरटेनमेंट। फील्ड में थोड़ी तब्दीली चाह रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी के इस पूरे टूर्नामेंट में लंबे करके खिलाड़ी हैं, और बहुत अच्छा कैच पकड़ा था आपने, राइट आर्म ओवर द विकेट, आवाज तो बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से गेंद जा रही है, फील्डर है वहां पे, और कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन गेंद को क्या हाथ से लगे अंपायर का इशारा, अब क्या करा रहा है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद सीमा 4 रन के लिए चली गई, कार्पेट के सहारे भी बहुत अच्छा आउटफील्ड है, एक बार अल्ता भाई गेंद बल्ले पे आ गया तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर रोक पाना, ओवर समाप्त हुआ, गेंद फील्डर ने कोशिश बहुत अच्छी की थी, लंबी दौड़ लगाई, ड्राइव भी गिरे, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, पर अब जाधव को चाहिए रन मिले। हरी भाई फिलहाल 14 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं, 14 ओवर के बाद स्कोर है इसमें 98, 98 रन बने हैं, यहाँ से 6 ओवर बचे हैं पारी के, और मैं तारीफ करना चाहूंगा जीतू बन्ना की, पिछले 16 दिन से यहाँ पर लगातार बॉडीगार्ड की भूमिका निभा रहे हैं, पूरे मैदान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो जीतू बन्ना के कंधों पर है, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए जीतू बन्ना की उतनी कम है। यहाँ से 6 ओवर बचे हैं पहले पारी के, और बचे हुए 6 ओवर के अंदर यहाँ से अगर 10 के हिसाब से रन बनाते हैं पहले बाद में तो संभव होता है कि 107 तक आराम से पहुंच रहा है, क्योंकि अभी भी 5 ओवर सुरक्षित है, 1 ओवर यहाँ से 15वां ओवर बहुत निर्णायक साबित होने वाला है, उसे पहले बाद बिल्कुल इत्मीनान से खेलेंगे, लेकिन 16वां ओवर जैसे शुरू होगा वहां से शुरू होगी मार धाड़, क्योंकि अब पहले बाद में यही मौका बचा है और मौके का फायदा उठाने वही खिलाड़ी है। बल्लेबाजों के पास बड़े मैच में या बड़ी कोई भी इवेंट होता है उसके अंदर डगआउट, और मैं माफी चाह रहा हूँ, हमारी नजर भी पड़ी थी, और एक बहुत बड़ा क्रिकेट को चाहने वाला क्रिकेट का समीक्षक कहूंगा सुदर्शन से सच्चा समाज सभी यूनस खान जी फौजी साहब भी आज इस मैच का हिस्सा बने हैं, यहाँ आए हुए हैं, और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है यहाँ आने से, निजी रूप से हमारे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगे हैं, सच्चे समाज से भी कहूंगा क्रिकेट को बहुत अच्छे से चाहता कहीं भी टूर्नामेंट हो, लेकिन ये यूनस का फौजी सुदर्शन हर टूर्नामेंट का हिस्सा बना हुआ नजर आता है, लेफ्ट आर्म बहुत अपना, अच्छी गेंद थी इस बार,
ट्राई जरूर करना चाहते थे, शायद फाइनल को स्कोर बनाना चाह रहे थे गेंद, बल्ले के पास से बल्ले के बगल से चल के विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी क्षति के। अभी भी एक स्लिप गली पॉइंट, एक कमर, एक एक हिस्सा कमर, क्या सत्य के वहां बिल्कुल कमर बाउंड्री के ऊपर एक लॉन्ग लेग स्पीच गेंद और हाल के आधार से गेंद को इस बार निकाला। फील्डर मौजूद है वहां पर, बहुत तेजी से बहुत अच्छी फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड कर थरो करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपने स्ट्राइक को रोटी करना छूट चेंज किया। एक ओवर और इस एक रन के सहारे बढ़ता बस पहुंचा 99 रन। अच्छी गेंदबाजी कहूंगा, 10 ओवर के बाद में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है पुणे की गेंदबाजों ने, लेकिन एक अच्छी टोटल की तरफ जा रहा है। मौका है जादू के पास पूछ ले, करम जी के बल्लेबाज हैं, माफी चाह रहा हूँ गेंदबाज हैं, और स्लॉग ओवर के अंदर जब आपको मौका मिलता है और इस मैच का हिस्सा है नदीम कंदूरी, उनके बारे में भी थोड़ा समय मिलेगा तो बोलूंगा मैं। मुझे तो लगा ही नहीं कि नदीम यहाँ खेलने आए, कि मेरे को दलता भाई ने बताया कि नदीम कंदूरी है और भाई का कोई नहीं। अच्छी गेंद, टाइम का गेम होता, समय समय की चीजें होती है, एक आधे गेम में अगर कोई बड़ा स्टार फ्लॉप हो जाता है, रन नहीं निकलते उसके भले से, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खिलाड़ी नहीं है। बहुत बड़ा ब्रांड है नदीम कंदूरी, नो डाउट। देखा अच्छी गेंद, नीची रही, ड्राइव करना चाहते थे पॉइंटों कमर के बीच से, लेकिन बल्ले के पास से उनके विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई बिना किसी क्षति के। बहुत अच्छी गेंदबाजी, छोटा सा बॉलिंग विकेट पर ज्यादा बड़ा लंबा करके नहीं आते गेंदबाज। अंपायर एलियसन सर, वो नहीं जानता आरसी अंपायर भाई क्या, और इस बार और ये पकड़े गए, फील्डर को तैनात करके रखा था बिल्कुल सीधा हाथों में मार बैठे। छठा विकेट, मेरे पास में एक इनामी राशि टूर्नामेंट को सफल करवाने के लिए जिन लोगों का योगदान होता है वो हमेशा होते हैं, वो उनसे घड़ा भरता आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत सरपंच महावीर सिंह जी, आपने इस क्लब को 11,000 रुपए दिए हैं, बहुत जोरदार तालियां आपके लिए भी, और नियाज अहमद खान कप्तान आपने भी 11,000, और अमीन खान दिलावर खानी आपने 21,000 रुपए दिए हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। शाहबीर शाहबीर खान आपने भी 11,000 रुपए दिए हैं, जहांगीर खान गुलजार खान आपने भी 11,000 रुपए दिए हैं, शमशेर खान आपने भी 11,000 रुपए दिए हैं, यूनुस खान मोयल आपने भी 5,100 रुपए दिए हैं, मोहसिन खान उस्मान खान आपने भी 11,000 रुपए दिए हैं, असलम रमजान खान आपने भी 11,000, महबूब आपने भी 11,000, और तालुजी आपने भी, और इसी कड़ी में हमारी पास में 11,000 रुपए कालू जी एलमान आपने भी, बहुत शुक्रिया आपका भी, तौफीक खान आपने भी 11,000 आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शमशेर खान आपने भी 11,000 रुपए दिए, यूनुस खान आपने भी 11,200 रुपए दिए हैं, सरीफ वाजी जमा आपने भी बहुत शुक्रिया सर आपका भी 1,100 रुपए, असगर अली खान जी आपने 5,000 रुपए, भवरू खान जी आपने भी दिए हैं ये शायद 7,000 रुपए, आलू खान कप्तान आपने दिए हैं 11,000 रुपए, जुबेर भाई आपने भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और 11,000 रुपए इरफान खान। तो इन तमाम हमासों को बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, और आप ही की बदौलत, आप ही के समय से, आपके पैसे, आपके छोटे छोटे सहयोग से इतना बड़ा टूर्नामेंट सफल हो पाता है, अदरवाइज इतना बड़ा टूर्नामेंट वो भी सीजन बॉल से करवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इतना जबरदस्त यहाँ का माहौल, इतना अच्छा मैदान तैयार किया है, इतनी व्यवस्था बना के रखी है, किस तरह की इस चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है तमाम हमासों के लिए। बहुत दिल से प्रकार का आभार, ये क्लब हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। अच्छी गेंद हल्के आते थे पिछले तरफ पे जाके गेंद को निकाला, ग्लांस किया विकेट कीपर भी गेंद को फील्ड करना चाहते थे, देखा कि चौके पर फील्डर तैनात है, वो आकर गेंद को उठाकर वापस गेंद
आप बॉलर्स के लिए अच्छा मुकाबला पत्तियों की तरह उतारी गए 15 ओवर के बाद स्वप्निल गेंदबाजी अटैक के ऊपर अभी भी जो बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए अमित सिंह शेखावत उस लेट बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है अमन सिंह को हेंड्रेड पूरा हो चुका है 16 ओवर चल रहा है पारी का ये ऑफिस टाइम के काफी बाहर निकलती हुई गेंद वाइड का इशारा आ रहा है और इस वाइड की मदद से पड़ता हुआ स्कोर 101 रन इस मुकाबले में कर दिया है इस बार गेंद को कवर पॉइंट क्षेत्र में फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे समय है रन पूरा करने का दूसरे रन के लिए आना चाहते थे अब यहां पर दूसरा रन था लेकिन हरबाज राठौड़ को पता है 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और 7वां विकेट खोने के बोर्ड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं पता है कि यहां से विकेट खोना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि रन यहां से बनाए जा सकते हैं अभी भी लेकिन गेंदबाजी क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है सलीम गजरे के गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया पूरी तरीके से ज्यादा आजादी दी नहीं बल्लेबाज को स्टेम के बाहर भी छू है इस बार वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से स्कोर इस वाइड की मदद से 109 रन इसमें स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं माजिद काजी की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी गेंद इस बार सीधे बल्ले से वापस उलर के पास धकेल दिया अरबाज राठौड़ ने इस गेंद को अच्छे बल्लेबाज है अरबाज राठौड़ खामोश रहा है उनका बल्ला पूरे टूर्नामेंट में 15 गेंद से 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और 9 रन उन्होंने केवल दौड़कर ही पूरे किए हैं खिलाड़ी को बिल्कुल नहीं सुनता मैंने कहा कि यहाँ पर बल्लेबाज ने रन दौड़ के पूरे किए अगली गेंद को जोरदार छक्का लगाया कि मैं छक्का भी हरा सकता हूँ ऐसी काबिलियत ऐसी क्वालिटी है मेरे अंदर जोरदार छक्का अरबाज के बल्ले से तो कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद स्कोर 115 यहां से 4 ओवर बचे हैं 4 ओवर के अंदर 24 गेंदें यानी बच रही है बची हुई 24 गेंदों में कुल मिलाकर 40 रन बनते हैं तो 150 रन यहां पर दे सकता हूं कि आराम से बन रहे हैं 4 विकेट अभी भी सुरक्षित है 6 विकेट गिरे हैं तो क्या लग रहा है भाई कितना स्कोर आपको लग रहा है प्रोजेक्टेड स्कोर भी यहां से 144 दिखा रहा है इसी हिसाब से अगर बल्लेबाजी होती है देखिए अल्ताफ भाई अभी बचे हुए 4 ओवर है 24 गेंदों का खेल रह गया है और अरबाज अभी भी बल्लेबाजी कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि अरबाज अगर आखिर तक बल्लेबाजी करते हैं तो टोटल शायद 150+ चला जाएगा तो 150+ जब चला जाता है तो फिर थोड़ा सा अच्छा मजा आने वाला है क्रिकेट में पर आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अल्ताफ भाई दोनों ही बल्लेबाजों को चांस लेना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल इस समय बड़ी घोषणा हो रही है अकरम सरफ अकरम खान की तरफ से लगातार 3 छक्के के ऊपर 2100 रुपए है और सलीम गजनी की तरफ से भी 2100 रुपए है लगातार 3 छक्के के ऊपर और शमशेर भाई पूर्व कप्तान उनकी तरफ से 500 रुपए है लेकिन यहां पर आप बढ़िया मौका है एनआरआई मजदूरी करने का गेंद को निकाला है इस बार इस वाले क्षेत्र में फील्डर को ढूंढ लेंगे गेंद बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर 2 रन से बल्लेबाज को नहीं रुक पाएंगे अब हाथ खोलने का टाइम आ चुका है बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने चाहिए स्कोर 117 हो चुका है पारी का 17 ओवर शुरू हो चुका है विकास विनय मीणा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है 3.1 ओवर गेंदबाजी 16 रन 1 विकेट इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या हो सकती है लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं अजब स्टार जादव के पास भी बहुत ही उमदा गेंदबाजी है 3 मिलियन पेसर जो गेंदबाज है जिसमें एक है तेजेंद्र सिंह विशाल गोदारा और उसके बाद में अजय धारिया स्टेम के बाहर पिच हुआ है इस बार वाइड का इशारा आ रहा है इस समय अंपायर का अब्दुल हफीज सुजानकर भी यहां पर बैठे हुए हैं
थोड़ी देर पहले जावेद ठोकर भी यहां पर दिखे थे, यानी पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से। अच्छी गेंदबाजी हरी भाई, मैच का पहला ही स्टेट पार हो रहा है, इसके बाद में जो स्टेट चालू होगा बल्लेबाजी पूर्ण की आएगी, मजा तब आएगा क्योंकि जिस तरीके से विकेट गिरेगी और रन बनेंगे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार ड्राइव करने के लिए गए थे अमन सिंह, गेंद पहुंची विकेट कीपर के स्थानों में। बड़ा मुकाबला चल रहा है, हाई वोल्टेज मुकाबला, ट्रॉफी आ चुकी है और ट्रॉफी ऐसे में तैयार कर रहे हैं शेखर खान राज खेलों अकेडमी जादू के ओनर है और साथ में है अब्दुल अजीज। क्या जबरदस्त ट्रॉफिया मंगाई है आरिफ भाई, विश्व कप के अंदर भी इस प्रकार की ट्रॉफिया नहीं दी जाती, फील हो रही है लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं है इस अपील का। जहाँ लगा मेरे ख्याल से गेंदबाज थोड़ा सा फील्डर में विकेट कीपर को लगा, अल्ता भाई की साइड लगा है, लेकिन गेंदबाज इन चीज से मुतमिन नहीं था, उनको लगा कि नहीं गेंद बल्ले से नहीं टकराई कुछ होने के बाद में, हालांकि कमर की ऊंचाई की गेंद थी। हाँ बल्लेबाज के पास में मौका था और विकेट कीपर अपील कर रहे थे बार बार, लेकिन भाई क्या मौका था विकेट। ओहो क्या अच्छी गेंद, कंधों का इस्तेमाल अल्ता भाई, बंदा कंधों का इस्तेमाल करता है, आपको बिल्कुल आप पूरा मैट मिलता है उसके ऊपर और बिल्कुल इस गेंदबाज के पास में वो महारत ही हासिल है, बिल्कुल कमर की ऊंचाई की गेंद बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहा है और ये बचे हुए चार ओवर हैं और इसमें अगर जादव आजर क्रिकेट क्लब को एक बड़ा टोटल लगाना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, दौड़ पड़े एक रन के लिए और गेंद विकेटों में लगा नहीं, प्रेशर था दबाव था इस बार अमन सिंह के ऊपर क्योंकि काफी डॉट गेंद खेल रहे थे वो, तो यहां पर स्ट्राइक इस समय अरबाज राठौड़ के पास आ चुकी है, 119 रन स्कोर हो चुका है, 17वां ओवर चल रहा है पारी का, ये देखते हैं कितना टोटल बनाएंगे। सलीम गजनी के पास में क्या जबरदस्त बैटिंग है, पारी की शुरुआत करने के लिए जो आते हैं राहुल खंडेलवाल और राजवीर सिंह राठौड़, बहुत तेज तरह बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजों की मैं कह रहा हूँ वाली भाई बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, मीडियम पेसर तीन गेंदबाज मैंने बताए हैं आपको, तीनों गेंदबाज बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से फोरूनी कहते हैं मीडियम पेसर गेंदबाज है वैसे गेंदबाज है। बहुत अच्छी गेंद लगी है इस बार, नो बॉल का इशारा आ रहा है और बहुत तेज लगी है, जैसे कटफड़ा में ही बल्लेबाज तुरंत जाए पानी लेकर, और देखिए ग्राम पंचायत सरपंच देखिए कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ये होती है संभावनाएं, और देखिए बाकी कोई दर्शक नहीं जाएगा मैदान में दर्शक कोई भी नहीं जाएगा मैदान में, इतने लोगों का काम नहीं है, झोपड़ा नहीं उठाना है वहां जाके, जल्दी जय भाई दवाई लेकर जाए, बहुत तेज गेंद लगी है, लगभग 130 प्लस थी ये गेंद और कहीं ना कहीं हेलमेट से टकराई है, अभी अभी झोंप लगा है अरबाज राठौड़ का और देखते हैं बहुत तेज चोट है। अरे भाई बैटिंग विकेट के अंदर सबसे बड़ा होगा यही है, गेंद कभी भी उठ सकती है, अरबाज बिल्कुल भी पोजीशन के अंदर थे नहीं गेंद को खेलने की और इसी के कारण ये गेंद है उनके, लगभग मुझे लग रहा है गाड़ी लेकर गए भाई जी, भाई साहब जल्दी करे गाड़ी से तुरंत एडमिट कराए हॉस्पिटल के अंदर, अगर ज्यादा चोट है और मोबाइल भाई जिस तरीके से आ रहे हैं उससे लग रहा है कि चोट, मोटरसाइकिल हटाए भाई तुरंत वहां से, जल्दी करें तुरंत, जिन जिन लोगों की मोटरसाइकिल खड़ी है उनको तुरंत प्रभाव से हटा दे वहां से, मामला थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, जिस तरीके से गेंद लगने के बाद भी तड़फड़ा रहे थे अरबाज, बहुत तेज गेंद लगी है उनके, तुरंत गाड़ी को हटा दे वहां से भाई, कोई ज्यादा सरपंच जी बता रहे हैं कोई ज्यादा इशू नहीं है, कोई ज्यादा तेज नहीं लगी है, कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सलीम मेडिकल कहाँ है भाई, सलीम मेडिकल नहीं है, वो जुमे के लिए नमाज के लिए चले गए हैं, अब सभी लोग जुमे की नमाज के लिए जा रहे हैं क्योंकि वक्त बिल्कुल करीब है, इस समय 1:20 का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ से गुजारिश कर रहा हूँ सरपंच साहब से कि मैच को यही बंद कर दे एक बार क्योंकि जुमे की नमाज का टाइम बिल्कुल करीब ही है, लेकिन थार गाड़ी बहुत स्पीड से आई है,
जल्दी जल्दी गाड़ी को दौड़ाए वापस हॉस्पिटल पहुंचाए सीधे कृपा साहब जाए साथ में। एम्पायरों से गुजारिश है कि मैच को ये बंद कर दे भाई। अब जुमे की नमाज के बाद में अगली पारी शुरू होगी, 1:20 का टाइम होता है, जैसे ही आगे की पारी शुरू होगी और यही अभी इस मैच को स्टॉप किया जा रहा है, आगे जुमे की नमाज के बाद में खिलाया जाएगा मुकेश, ठीक है। 2:30 के ऊपर दूसरी पारी शुरू होगी, सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर चले जाए। मैं ताजा स्थिति अपडेट करवा देता हूं, इस समय कुल मिलाकर 120 रन है स्कोर, 17 ओवर की लगभग आखिरी गेंद बची है, ठीक है, ओके, ठीक। चलो छोली की नमाज के लिए जाए सभी, क्योंकि मैच हमेशा होते रहेंगे, लेकिन एक जुमा निकल गया, ये वापस कभी नहीं आएगा दौड़कर आपकी जिंदगी में। आगे का मैच जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होगा। नहीं लालचंद भाई, इतनी कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 2:15 के ऊपर मैच शुरू होगा, सभी तरफ से ध्यान रखिए भाई। थोड़ी सी ब्लीडिंग जरूर हुई है, उस वजह से हॉस्पिटल लेके गए हैं। लाइव चालू रहेगा, माइक जब तक मैच चालू होता तब तक माइक बंद रहेगा। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। अरबाज राठौड़ को चोट लगी है, अब से ठीक 1 घंटे बाद ये मैच फिर से चालू होगा, लगभग 2:15।